अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरजे महवेश और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेरे अपने ही नाम से। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर और व्यूज़र की दिल से मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरी इतनी सपोर्ट कर रहे हैं। आपके प्यार मोहब्बत और जो है ना आपकी नवाजिशों से मेरा चैनल सुपर से सुपर हिट होता जा रहा है। इसके लिए मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर और व्यूज़र की दिल से मशकूर हूँ। तो बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो की, पिछली वीडियो में मैंने आप सबसे हेल्प मांगी थी कि प्लीज़ मेरा घर जो है किराए का है और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मेरी आप लोग हेल्प करें, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई भी मेरी हेल्प करेगा क्योंकि आज का जो दौर चल रहा है दोस्तों बहुत ज़्यादा सेल्फिश और मतलब परस्त दौर है। इस दौर में कोई किसी की हेल्प और सपोर्ट नहीं करता है, लेकिन मुझे आप सब पे भरोसा था कि आप इतने प्यार मोहब्बत और इखलाक से जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह पाक और उसके बाद आप पे भरोसा था। तो उसी में मेरी पिछली वीडियो में ही माशाल्लाह 4-5 लोगों ने मेरी सपोर्ट कर दी और अल्लाह पाक उन्हें खुश रखे। उन्हीं की शुक्रिया अदा करने के लिए आज मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊँ और उस वीडियो में उनके नाम शामिल करूं क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरे ऊपर जो इतना बड़ा एहसान किया है ना शायद मैं ज़िंदगी में कभी उतार ना सकूं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें इस चीज़ का अजर देगा। तो बात करते हैं मेरे सपोर्ट करने वालों की। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मेरा जो है ना घर अपना नहीं है तो मैं कुछ पैसे जमा करके अपना प्लाट लेना चाहती हूँ जिसके ऊपर मैं एक अपना कमरा बनाना चाहती हूँ। किराए के घरों में दोस्तों मैं धक्के खा के जो है ना बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी हूँ। तो सबसे पहले जो है ना जैसे ही मैंने शाम को वीडियो अपलोड की तो माशाल्लाह अगली सुबह ही मुझसे दो बहनों ने रब्ता किया। मैं उनकी दिल से मशकूर और बेहद शुक्रगुजार हूँ। अमेरिका से जो हैं तो पाकिस्तान की, लेकिन फ़िलहाल वो लोग अमेरिका में मुकीम हैं। तो मैं उनकी बहुत ज़्यादा मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे पहले नाम लूँगी फ़ातिमा अहमद का। फ़ातिमा अहमद अमेरिका में इस टाइम मुकीम है और उन्होंने मुझे इतनी हेल्प की कि यकीन करें मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुशी से बाग बाग हो गया। आज के दौर में जहाँ मेरे अपने बहन भाई मेरी बात नहीं पूछते थे तो उन्होंने मेरी जब हेल्प की और उन्होंने इतने प्यार और इखलाक से फ़ातिमा अहमद ने मुझसे बात की तो यकीन करें मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि आज के दौर में जहाँ पर गलत लोग हैं, जहाँ पर सेल्फिश लोग हैं, वहाँ पर अच्छे लोग भी हैं इस दुनिया में। तो फ़ातिमा अहमद आपकी मैं दिल से मशकूर हूँ, आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे छोटी बहन का दर्जा दिया, आपने जो है ना मेरी इतनी सपोर्ट की। फ़ातिमा अहमद की तरह अगर 2 से 4 बंदे और मेरी सपोर्ट कर दें तो अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक के करम से जो है ना मैं अपना प्लाट 5-6 मरले का ले सकती हूँ। तो मैं फ़ातिमा अहमद के लिए दिल से मैं और मेरे बच्चे दुआ करेंगे कि फ़ातिमा अल्लाह पाक आपको और अपने बच्चों आपके बच्चों को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह ताला आपके काम और कारोबार में जो है ना तरक्की दे, बरकत दे। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे दूसरी मेरी बहन की। वो भी इस टाइम अमेरिका में मुकीम है लेकिन पाकिस्तान में ज़िला लोधरा से ताल्लुक़ रखती हैं। उनका नाम था नसीम बीबी। नसीम बीबी ने मुझे कॉल की, मुझसे बात की, मेरे घरेलू मसले मसाइल के बारे में मुझसे पूछा, मुझे बेहद दिली खुशी हुई। उसके बाद उन्होंने भी मेरी बहुत सपोर्ट की, अल्लाह पाक उन्हें भी खुश रखे। उन दोनों ने मिलके मुझे इतने पैसे भेजे कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अगर 4-5 बंदे उतने पैसे और दे दो तो अल्हम्दुलिल्लाह से मैं एक प्लॉट ख़रीद सकती हूँ। तो नसीम बीबी अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको परदेश में अपनी ज़मान में रखे, अल्लाह पाक आपके बच्चों के नसीब करे अच्छे करे और आपके शौहर की रोज़ी में बरकत डाले, आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद बात करेंगे सादत नदीम साहब की। तो कल उन्होंने मेरी वीडियो देखी और उन्होंने मुझे कमेंट किया, कमेंट पे मैंने उनको रिप्लाई दिया और उन्होंने रात ही मुझे 10,000 रुपये भेज दिए। तो अल्लाह पाक उनकी रोज़ी रोटी में बरकत दे। सादत साहब मैं आपके दिल से मशकूर हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आज के जिस सेल्फिश दौर में मेरे अल्लाह पाक के सिवा कोई भी नहीं है, उसके बाद मुझे मेरे बच्चों का सहारा था, एक दिल में आस बंधी तो चैनल बनाया और चैनल से माशाल्लाह आप जैसे बहुत सारे अच्छे लोग मुझसे वाबस्ता हो गए जिनकी मैं जितनी भी शुक्रिया अदा करूं कम है। आप सब लोग मेरे चैनल पे आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं जिससे मेरी बहुत ज़्यादा हौसला अफज़ाई होती है और हिम्मत बंधती है कि मैं जो है ना आगे अच्छे से अच्छा काम करूँ और हक की लाल करके अपने बच्चों को हक की लाल की रोज़ी खिलाऊँ। और सबसे बड़ी मजबूरी मेरी ये है कि घर मेरा जो है ना दोस्तों किराए है। अक्सर लोग मुझसे कमेंट करते हैं कि मैं भी आपका अपना घर जो है ना कहाँ गया। तो मैं आप सबसे पहले भी गुजारिश कर चुकी हूँ, नेक्स्ट जो मेरी पहली बार वीडियो देख रहे हैं मैं उनसे भी गुजारिश कर रही हूँ कि मेरा जो शौहर था वो नशा करता था और नशे की लत में उसने अपना घर बेच दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मेरे बच्चों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और मैं बखूबी निभाने की कोशिश कर रही हूँ। आगे आप सबसे अपील करती हूँ कि आप सब जो है ना मेरे और मेरे बच्चों के लिए दुआ करें कि मैं हक की लाल की रोज़ी जो है ना उनके पेट में जो है ना डालूँ ताकि वो एक अच्छे
इंसान बने, अपने बाप की तरह ना बने। तो उसके बाद जो दोस्त मेरी हेल्प और सपोर्ट करना चाहे, प्लीज़ मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरी थोड़ी सी हेल्प करें। मैं अपना घर लूँ, प्लाट लूँ, उसके ऊपर एक कमरा डालूँ, और इंशाल्लाह जब आप लोग मेरी सपोर्ट करते जाएंगे, मैं ज़मीन लूँगी, प्लाट लूँगी, उसके ऊपर कमरा बनाऊँगी, तो इंशाल्लाह लाइव वीडियो मैं आपसे बनाकर शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ मैं अपने चैनल पर नए आने वालों से गुजारिश करूँगी कि मेरी वीडियो को कम्प्लीट देखें, वीडियो को कहीं से स्किप और मिस ना करें, ताकि आपको मेरे घरेलू हालात का पता चल सके। काफ़ी न्यू लोग जो आते हैं बहुत गलत बातें भी कर जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह पाक पे पूरा भरोसा है कि जब तक मैं खुद गलत नहीं हूँ तो मेरे साथ अल्लाह पाक कभी गलत नहीं होने देंगे। तो मैं आप सबकी एक बार फिर से मशकूर हूँ, और उन तीनों की तो बहुत ज़्यादा जिन्होंने मेरी हेल्प की, अल्लाह पाक उन्हें बहुत दे, अल्लाह पाक उनके और उनके बच्चों के जो है ना नसीब अच्छे करे। तो नसीम बहन लोधरा से जिनका ताल्लुक है, इस टाइम अमेरिका में मुकीम है, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिस्टर। उसके बाद फातिमा अहमद, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आप बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, अल्लाह पाक आपको बहुत दे। उसके बाद सादत नदीम साहब, अल्लाह पाक आपको भी बहुत दे, अल्लाह पाक आपको खुशियाँ दे, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे। और परदेश में यूके में वो इस टाइम है, अल्लाह पाक उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, उनके ऊपर कोई मुसीबतें ना आए। मेरी और मेरे बच्चों की दुआएँ आप सबके साथ हैं। प्लीज़ मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ प्लीज़ थोड़ी सी मेरी सपोर्ट करें, थोड़ी सी 5,000 10,000 जिस भाई से बन पड़ते हैं, जिस बहन से बन पड़ते हैं, मेरी मदद करें, ताकि जो है ना मैं एक छोटा सा प्लॉट लेके अपना घर बना सकूं। मैं 4 साल से इस फील्ड में हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा नाम कमाया इस फील्ड से, अच्छा काम किया तो अच्छा नाम कमाया ना। अगर मैं गलत काम करती, गलत काम करके जो है ना मैं 2 साल नहीं, 1 साल में भी मैं अपना प्लॉट लेकर घर बना सकती थी, लेकिन नहीं, मैं इज़्ज़त की रोज़ी जो है ना कमाना चाहती हूँ, और इज़्ज़त के साथ ही मैं ज़िंदगी में जीना चाहती हूँ। मैंने मरना भी है, ताकि मैं मर के अल्लाह पाक के पास जब हाजिर हो नाजिर हूँ ना, तो मेरे ज़मीर के ऊपर कोई बोझ ना हो कि मैंने दुनिया में ऐसा कोई गलत काम किया था मैं बहुत सारे बोझ लेकर मरूं। नहीं, तो प्लीज़ मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगी कि मैं गलत नहीं हूं, मेरे छोटे छोटे 5 बच्चे हैं जिनकी वजह से मैं इस फील्ड में आई हूं, और पूरी घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, जिसमें आपको आप खुद पता है जो जिनके बच्चे हैं, जिन जो माँ बाप हैं, वो मेरी बखूबी मजबूरी समझ सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से जो है ना इस चैनल पे, चैनल्स के काम पे जो मैं आई हूँ, तो अल्लाह पाक का शुक्र है कि इतनी हो जाती हैं कि मेरा और मेरे बच्चों का अच्छा गुजर बसर हो रहा है। बस घर की जो है ना मसला है, हमें घर हम अपना लेना चाहते हैं। तो प्लीज़ मैं आप सब बहन भाइयों से गुजारिश करती हूँ जो कि गैर ममालिक से इस टाइम मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ मैं अपने कैमरा मैन का नंबर स्क्रीन पर दे रही हूँ, अगर कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन अल्लाह के नाम पे मेरी हेल्प करना चाहें, तो आप लोग मेरे कैमरा मैन से रब्ता करें। प्लीज़ आपका 5-5, 10-10 हज़ार भी जमा करके ना, मेरा जब छोटा सा घर बन जाएगा तो मेरी अपनी जन्नत बन जाएगी। जो मेरी बहन इस टाइम मुझे देख रही हैं वो औरतें हैं, औरत की मजबूरी लाजमी समझेंगी, और जो भाई मुझे इस टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि जो औरत सीधे रास्ते पे चले ना, तो उनको सीधे रास्ते पे चलने दिया करें। लाजमी नहीं कि जो इस फील्ड में आ गई है चैनल की में वो गलत औरत है, अगर गलत औरत होती तो वो दुनिया से छुप कर, मुआशरे से छुप कर, गलत काम करके भी वो पैसा कमा सकती है, तो फिर उसको इस फील्ड में आने की ज़रूरत ही क्या है, उसको गर्मी में रुलना, उसको धक्के खाना कभी कहाँ कभी कहाँ। तो प्लीज़ जो इस फील्ड में आई है वो औरत गलत कभी नहीं हो सकती। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से फिर से गुजारिश करूंगी जो मेरे चैनल पर नए हैं और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी वीडियो को स्किप ना किया करें, वीडियो को कम्प्लीट देखा करें, तो जो है ना आगे शेयर भी किया करें अपनी फैमिलीज़ के साथ। मैं बहुत अच्छे अच्छे फ़नी खाके भी बना रही हूँ, और विज़िट वीडियो भी अपने इलाके के सारे जो मशहूर जगह है उनके विज़िट भी आप लोगों को करवाती हूँ। तो मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत ना समझे, मेरी 5 बच्ची हैं और 3 बेटे हैं और 2 बेटियाँ हैं। अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी समझदारी और इतनी जो है ना सूझबूझ दी कि मुझे अच्छे और बुरे की पहचान जो है ना मेरे जहन में जब से पैदा हुई। तो मैंने जो भी 12 साल जो है ना मेरी शादी को हुए, और 10 साल से मेरे सर के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आईं, मेरे शौहर की नशे की लत में लगा, तो फिर उसके बाद मैंने मुख्तलिफ़ जॉब्स की, फ़र्स्ट टाइम, सेकंड टाइम 2 जॉब्स मैंने की। उसके बाद बहुत ही हमारे हालात तंग हुआ करते थे, तो फिर भी अल्लाह पाक का शुक्र मैंने उस दौर में भी अदा किया था कि अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि वो हमें इतना तो दे रहे हैं कि मैं और मेरे बच्चे इज़्ज़त की रोटी खा रहे हैं। कभी कभी तो दोस्तों वो भी मेरे ऊपर हालात आ जाते थे कि एक टाइम की हमारे घर होती थी एक ही नहीं, लेकिन मैंने फिर भी शुक्र अदा किया, और अल्लाह पाक ने उसी सब्र का अजर मुझे दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास अल्लाह का शुक्र है घर नहीं है, घर के अलावा मेरे घर की सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो भी ले ली हैं,
तो वो आप सबकी जो है ना प्यार मोहब्बत और इखलाक से जो है ना हुआ। उसके बाद जो है ना मेरे बच्चे भी आज माशाल्लाह से अच्छी जो है, तो बिना आप लोगों को बोर किए बहुत बोर कर लिया। इसके साथ ही मैं चाहूँगी इजाज़त, जो मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनसे यही गुजारिश करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही खड़े बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों को बआसानी मिल सके। इसके साथ मुझे अपनी मेज़बान आरजे महविश को दे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के साथ सुबह आपकी खिदमत में फिर होंगी हाज़िर। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दी, अल्लाह निगेबान।